समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर तहरीक इंसाफ के कारकुन और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। इतवार के रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया, कराची, हैदराबाद और दादू के अवाम को मेरा पैगाम है कि निकलें और वोट डालें। अगर वो अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो इनका आज ये वोट डालना जरूरी है। इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए हिना परवेज भट्ट ने लिखा, जी कराची, हैदराबाद और दादू के अवाम ने आपका पैगाम सुना और बाहर निकल कर आपको ऐना दिखा दिया। पहला तो दूर, आप तो दूसरे और तीसरे नंबर पर भी नहीं आए। हिना परवेज भट्ट ने एक और पैगाम में लिखा, कराची वालों ने नियाजी की झूठी मकबूलियत को उठाकर समंदर में फेंक दिया। पंजाब और केपी की असम्बलियां तोड़ने के बाद अब नियाजी साहब को हेलीकॉप्टर समेत दूसरी सहूलियात मुयसर नहीं होंगे, अब इनको रॉयल्टी चेक मिलेगा। हिना परवेज भट्ट ने एक और पैगाम में लिखा, नियाजी साहब तैयारी पकड़ लो, पंजाब में सिंध से भी बुरी होने वाली है, तुम्हारी मकबूलियत सिर्फ एक पानी का बुलबुला है, ये बुलबुला जब फटेगा तुम्हें खबर भी नहीं होगी, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। इसके जवाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हिना परवेज भट्ट की ट्रोलिंग शुरू कर दी। एक सार्फ ने लिखा, दर्जन को तनख्वाह ही इसी चीज की मिलती है कि इमरान खान के ट्वीट को रिट्वीट करो और फॉलोवर बढ़ाओ। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर फलक जवेद नामी एक लड़की ने अपने पैगाम में लिखा, आपके घर में इसने घुसकर इसने आपको मारा और आपकी गैराज वाली मालकन इसी डर से लंदन भाग गयी। एक खातून ने हिना परवेज भट्ट को टैग करते हुए लिखा, पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट पटवारियों और जियालों की जियाल नस्ल है। सनम जवेद नामी एक लड़की ने लिखा, लोग दो ही लोगों को सुनते हैं, एक खान साहब के हक में बोलने वाले और एक खान साहब के खिलाफ बोलने वाले, और फिर बस खान के खिलाफ बोलने वाले की कुत्ते वाली होती है।